हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आपकी वैकेंसी निकली हुई है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल में। तो इसमें टोटल हमारी 441 वैकेंसी हैं। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जून में पब्लिश हुआ था ये नोटिस, 7 जून 2024 के लिए। तो इसमें बताया गया है, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल अफसर ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ये नोटिस, और यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपसे कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। बाकी यहाँ पर मीमो नंबर भी बताया गया है, CMOHNSSS112-5095 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो इसमें नंबर रहेगा, 5095 नंबर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्या सब्जेक्ट रहेगा, उसके बारे में थोड़ा जूम कर देते हैं, जिससे कि आप देख सकें कब इसकी लास्ट डेट है, कब इसकी, ठीक है, अप्लाई डेट। तो इसकी स्टार्ट हो ही गई है, क्योंकि यार 23 जून है और 20 जून से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नॉर्थ, 24 प्रेगनेंस ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्टल बेस की आपकी वैकेंसी रहेगी। एलिजिबल एप्लीकेशन में अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पर वेबसाइट प्रोवाइड करवाई गई है इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम 20/6/2024 से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे 5/7/2024 के लिए। द डिटेल्स आर गिवन इन देयर वेबसाइट। तो वेबसाइट वेस्ट बंगाल हेल्थ .gov.in करके भी है एक, ठीक है। रिक्वायरमेंट सेक्शन में आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। बाकी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। NHM दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट हेल्थ यूनिट्स में निकली हुई है। तो कौन कौन सी यूनिट्स में आपकी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर उसके नीचे भी बताया गया। एनेक्सरी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो टेबल नंबर 1 में वैकेंसी अंडर है, जो कि आपका यहाँ पे यूनिट रहेगी NUHM और NHM। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, आपका प्रोग्राम रहेगा NHM, पोस्ट है मेडिकल अफसर की पोस्ट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें UCHC नेमता में आपकी रहेगी, और सैलरी इसमें आपकी रहेगी 80,000 रुपये पर मंथ। सिंगल वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो MBBS आपके लिए चाहिए होगा इसमें। मैक्सिमम एज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 67 ईयर्स, और यहाँ पर इसी क्वालिफिकेशन में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रखा है। बट हम जो अपनी इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा पोस्ट हमारी रहेंगी, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी बता रखा है। जैसे कि ये वैकेंसी नर्सिंग की है, तो यहाँ पर बताया है आपकी नर्सिंग इंचार्ज की आपकी पोस्टिंग रहेगी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस में आपकी। NUHM आपका प्रोग्राम रहेगा, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका नेमता UCHC रहेगा। सैलरी आपकी इसमें रहेगी 50,000 रुपये पर मंथ रहेगी इसमें। एक वैकेंसी है यहाँ पर, और अनरिजर्व की वैकेंसी ये रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए MSc इन नर्सिंग, ठीक है, गायनेकोलॉजी पीडियाट्रिक्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ में, और आपका रजिस्ट्रेशन इसमें वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए। वेल कन्वर्सेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे मांग रखी है। इसमें मिनिमम एज है 22 से लेकर 40 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज काउंट होगी इसमें 1 जनवरी, ठीक है, 2024 से आपकी एज काउंट होगी इसमें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड अगर आपको करना होगा, तो इसमें आप करेंगे 10th 12th BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ठीक है, और अपना यहाँ पर बताया रखा है OBST गायनकोलॉजी, ठीक है, पीडियाट्रिक्स हो गया, कम्युनिटी मतलब CHN का यहाँ बता रखा है, और सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशनड इन जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो आपको बता रखे हैं। बाकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, टोटल 100 नंबर की रहेगी इसमें। आप देख सकते हैं इसमें 5 नंबर के 10th क्लास की मार्कशीट से रहेंगे, और 12th से भी आपके 10+2 से भी, मतलब कि दोनों मिला के आपके 10 नंबर यहाँ पर बनेंगे। BSc नर्सिंग में 10 नंबर हैं, MSc नर्सिंग में 10 नंबर हैं। एक्सपीरियंस मैक्सिमम आपका कंप्लीटेड 1 साल का है, 2 साल का है, 15 साल का है, तो या 2 साल से ऊपर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मार्क्स रहेंगे यहाँ पर। और रिटन टेस्ट आपका होगा 30 नंबर का, और कंप्यूटर टेस्ट भी आपका 15 नंबर का होगा, इंटरव्यू 10 नंबर का होगा। टोटल आपके मार्क्स इसमें 100 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है, इस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हर पोस्ट का उन्होंने अलग अलग बता रखा है, तो एक पोस्ट और है आपकी वैकेंसी अंडर NHM NUHM डिपार्टमेंट यूनिट में है। तो प्रोग्राम NUHM में रहेगा, पोस्ट का नाम है MO स्पेशलाइज्ड जनरल सर्जन फिजिशियन, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन एनेस्थेटिस्ट, जिनकी 70,000 सैलरी रहेगी। MBBS PG हैं तो, ठीक है, और यहाँ पर 65,000 है, MBBS PG डिप्लोमा है तो, ठीक है, डिग्री वालों की 70,000 है। 5 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की हैं पाँचों, 1 फॉर ईच कैटेगरी है इसमें, और MBBS इसमें मांग रखा है, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब वैकेंसी इसमें रहेगी मेडिकल अफसर की, यह भी MBBS में मांग रखा है, 60,000 रुपये सैलरी है, 5 वैकेंसी इसमें भी रहेंगी। ये भी आपकी एक और मेडिकल अफसर की वैकेंसी है, इसमें भी MBBS मांगा है, 2 वैकेंसी हैं, 60,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। ये एक और वैकेंसी आपकी है, इसमें 23 वैकेंसी हैं, MBBS मांग रखा है, 60,000 रुपये सैलरी है इसमें भी। इसके बाद हाँ, एक वैकेंसी ये आपकी आती है, इसमें नेम ऑफ द प्रोग्राम है, तो NHM प्रोग्राम रहेगा, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी आपकी कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट CHA, कॉन्ट्रेक्टल बेस की वैकेंसी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें UPSC ULB में आपकी रहेगी, 13,000 रुपये पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहेगी। पोजीशन इसमें 395 हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन 395 इसमें पोस्ट हैं, तो इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें आप। और पोस्ट आपकी जो कैटेगरी वाइज रहेगी, तो अनरिजर्व की 218 है, SC की 87 है, ST की 24 है, OBC A की 38 हैं, OBC B की 28 हैं। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, मस्ट है पास्ट ANM कोर्स आपके पास होना चाहिए, और वेस्ट बंगाल में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए, या आपके पास GNM है आपके पास, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेंसी होनी दी जाएगी बंगाली की, यहाँ दिया हुआ है परमानेंट रेजिडेंस आप होने चाहिए नॉर्थ, ठीक है, 24 प्रेगनेंस डिस्ट्रिक्ट के। एज लिमिट इसमें 21 से 40 एज रहेगी, 1/1/2024 से काउंट होगी आपकी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ANM GNM के सर्टिफिकेट वगैरह हो गए आपके, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, अदर जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख ही लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, तो डायरेक्ट एक यहाँ पे दिया हुआ है एकेडमिक मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 100। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पोजीशन है NHM में अकाउंटेंट की, एक पोजीशन एक ही रहेगी अनरिजर्व की, और DPMU में आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसमें सैलरी की बात करें 26,000 रुपये पर मंथ आपकी रहेगी इसमें, और ग्रेजुएट आपसे मांगा हुआ है, और आपसे हैविंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सॉरी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का मांग रखा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS Word Excel हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली सॉफ्टवेयर का मांग रखा है यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ पे दिया है कि आप परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर इन अकाउंटिंग जॉब का, ठीक है, 1 साल का गवर्नमेंट भी मांगा है अगर है तो, अगर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर का 2 साल का चलेगा। एज लिमिट इसमें 40 साल है मैक्सिमम। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह, इसमें भी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्यूटर नॉलेज का हो गया, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का हो गया, जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गए। बाकी इसमें सिलेक्शन का देख लीजिए आप, ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा 100 मार्क्स का, इसमें भी रहेगा आपका 10 नंबर की 10th रहेगी, 15 नंबर के आपके 12th बेसिस पे होगा, ग्रेजुएशन 20 नंबर के हो गए आपके, और CBT सॉरी कंप्यूटर टेस्ट हो गया आपका 30 नंबर का होगा इसमें, एक्सपीरियंस के 10 नंबर मिलेंगे इसमें आपके, इंटरव्यू के 15 नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, गवर्नमेंट के 3 मार्क्स दे रखे हैं, FD एडिशनल ईयर के बता रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर में 10 नंबर। बाकी अब देख लेते हैं अगली पोस्ट है हमारे पास NHM में ऑप्टेलमिक असिस्टेंट की है, कॉन्ट्रेक्टल बेस की है, पोस्टिंग आपकी रहेगी रूरल यूनिट्स RH BPSC में रहेगी, सैलरी आपकी रहेगी इसमें 18,000 रुपये पर मंथ। टोटल इसमें हमारे पास 4 पोस्टिंग है, सॉरी पोस्ट हैं, SC की एक है, 2 अनरिजर्व की हैं, ST की एक है। अप्लाई करना चाहते हैं आप तो आपके पास होना चाहिए पास्ट हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 2 ईयर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल ऑप्टेलमिक असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री भी चलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे दिया है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तो 1 ईयर ट्रेनिंग आफ्टर ड्यूरिंग अक्यूरिंग डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होना चाहिए आपका, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एज लिमिट इसमें होगी 18 से 40 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 से 40 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए हायर सेकेंडरी मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट डिप्लोमा पैरामेडिकल ऑप्टेलमिक असिस्टेंट कोर्स का हो गया जैसे आपका, ये फिर आपका ऑप्टोमेट्रिक कोर्स का हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल इसमें मार्क्स बता रखे हैं 50 नंबर के, ऊपर तक चल रहे थे 100 नंबर के, तो यहाँ पर 50 पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए का क्लास बता रखे हैं आपके 12th के, यहाँ पे 13 नंबर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल ऑप्थेलमिक असिस्टेंट कोर्स या फिर आपका ऑप्टोमेट्री हो गया, तो 20 नंबर बताए हैं। प्रोपेटनेट्स मार्केटिंग 5 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर ईच एक्स्ट्रा चांस इन डिप्लोमा में आपका रहेगा, और एक्सपीरियंस के 10 नंबर हो गए, एट द रेट 2 मार्क्स ऑफ टू बी अलॉटेड ऑफ एवरी कम्प्लीटेड ईयर का हो गया आपका, ठीक है। इंटरव्यू के आपके 7 मार्क्स होंगे इसमें।
अब एक पोजीशन और है आपकी NHM में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ही वैकेंसी इसमें MCH में आपकी पोस्टिंग रहेगी और यहाँ पे पोस्ट का नाम लेबोरेटरी टेक्नीशियन NCD है और सैलरी इसमें रहेगी आपकी 22,000 रुपये पर मंथ, NHM की पोजीशन है सिर्फ इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें, हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए आप 10+2 के साथ में, और इसमें मांगा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स भी चलेगा, डिप्लोमा इन MLT होना चाहिए आपके पास, और वेस्ट बंगाल की मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है, बस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए MS ऑफिस की, मैक्सिमम एज 40 साल मांगी है इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट हो गई आपकी, और इसमें वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका मांग रखा है। अब इसमें प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, बेसिक क्वालिफिकेशन 85%, वेस्ट 1% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, और कंप्यूटर टेस्ट 15। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास PR सपोर्टर की वैकेंसी है, MCH में पोस्टिंग रहेगी, सैलरी इसमें आपकी रहेगी 10,000, और यूनिट आपकी रहेगी इसमें NHM, NHM की पोस्ट है, और इसमें बताया है 12th पास आपसे मांगा रखा है 12th के लिए भी इसमें, ठीक है। द PR सपोर्ट शुड बी अ पर्सन परफॉर्मली बेहतर रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी विद मिनिमम HS 12th लेवल एजुकेशन होनी चाहिए इसमें, और इसके बाद बताया है सी ही मस्ट आल्सो शुड नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, वर्किंग नॉलेज, और यहाँ पे एक्सेलेंट स्किल्स वगैरह होनी चाहिए कंप्यूटर में, और इसमें 40 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया है एक नोट है, कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल इफ देयर डिपार्टमेंटल रूल रिक्वेस्ट सो एंड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो NOC के बारे में बता रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है अगर आप पहले से वर्क कर रहे हो तो इंटरव्यू टाइम पे आपके पास होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो होते ही हैं आपके पास। इसमें टोटल मार्क्स देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन टोटल मार्क्स 100 हैं, 40 मार्क्स यहाँ पर बता रखे हैं आपके मार्क्स ऑफ क्लास 10th के, 12th के 45 नंबर हैं और इंटरव्यू के 15। अब वैकेंसी है न्यूट्रिनिस्ट चाइल्ड हेल्थ NRC, फीमेल भर सकती हैं सिर्फ ओनली, 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी इसमें। एक वैकेंसी है और NHM आपका इसमें प्रोग्राम रहेगा, BSc MSc फूड एंड न्यूट्रिशन अगर आप करे हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, स्पीकिंग बंगाली, ठीक है, और यहाँ पे दिया डिजेबल एक्सपीरियंस में आपका न्यूट्रिशनल रिवेलाइजेशन सेंटर फॉर देन 1 ईयर वर्किंग आपने करा हो, और इसमें 21 से 40 इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस इसमें बता रखी है, अकेडमिक क्वालिफिकेशन रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस बेसिस पे यहाँ पर होगी आपकी प्रोसेस। टोटल मार्क्स हो गए आपके 55 नंबर के यहाँ पर, और रिटन MCQ हो गया आपका 50 नंबर का यहाँ पर, फॉर वर्किंग इन अ फंक्शनल न्यूट्रिशनल रिवेलाइजेशन सेंटर फॉर मोर देन 1 ईयर है, 5 मार्क्स यहाँ बता रखा है। इसके बाद आपकी वैकेंसी है कुक की, तो इसमें 8,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी इसमें, बैंगोन SDH में पोस्टिंग रहेगी, और आपसे मांगा है हायर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर मांग रखी है, और लोकल लैंग्वेज और डिस्ट्रिक्ट बंगाली यहाँ बता रखा है यहाँ पर, गुड कमांड लोकल लैंग्वेज, ठीक है, मस्ट नो ऑल टाइप ऑफ कुकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, PRI यहाँ बता रखा है, पंचायत प्रधान हो गया, स्कूल टीचर वगैरह, ठीक है, स्टैम्प यहाँ दिया हुआ है कुछ, और डिजेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बताया हुआ है कि परफॉर्मेंस शुड बी गिवन टू अ लोकल एलिजिबल कैंडिडेट, परफॉर्मेंस दी जाएगी 5 किलोमीटर के अंदर जो फैसिलिटी मतलब जो एरियाज के होंगे कैंडिडेट में, 20 से 40 इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो रहेगी परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन द हायर एजुकेशन आपकी देखी जाएगी हायर सेकेंडरी। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, और अप्लाई करने की लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज भी हो सकती है मे बी, यहाँ पर दिया है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर और दिया है कुछ आपके लिए अपलोड आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह करने होंगे, जैसे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया आपका, फ़ोटो प्रूफ हो गया आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, तो पूरी PDF आपको मिल जाएगी। बाकी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए, कॉन्ट्रैक्टल बेस की वैकेंसीज के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT Journey 6675। थैंक यू।